सेरेंगेटी एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की विशालता का अनुभव किया जा सकता है। यहां ताकतवर जीवों के परिवार कम शक्तिशाली जीवों के आसपास पलते हैं। जानलेवा मुकाबले की वजह कुछ भी हो सकती है, इलाका, खाना या फिर मेटिंग करने का हक। लंबे सफर के रास्ते चुनौतियों से भरे होते हैं। पानी की दुनिया बेहद खूबसूरत है और नजारे बेहद नाटकीय। यहां प्रकृति के रंग शक्तिशाली हैं और असीम भी। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का ये विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। विल्डबीस्ट को अपने लंबे माइग्रेशन में कई बार नदियों को पार करना पड़ता है। ये जलमार्ग काफी शांत है, लेकिन पानी का स्तर नीचे होने पर किनारे खतरनाक तरीके से ऊंचे हो जाते हैं, और खतरा तो नीचे भी है। नाइल क्रोकोडाइल्स। इन मगरमच्छों को मालूम है कि झुंड कब आएंगे, और वो नदी पार करने की सबसे अच्छी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। प्यास से बेहाल झुंड पानी के किनारे पहुंचता है और क्रोकोडाइल्स के लिए दावत का इंतजाम हो जाता है। मौका है तो क्यों ना पेट भर लिया जाए, क्योंकि ये झुंड साल में एक ही बार यहां से गुजरते हैं। आसपास के इलाकों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो नदियां तूफानी हो जाती हैं, और इन्हें पार करना झुंडों के सामने एक चुनौती होता है। लेकिन विल्डबीस्ट को एक खास दिशा में जाने की जानकारी विरासत में मिलती है। उन्हें नदी को पार करना ही है, किसी भी कीमत पर, खतरों के बावजूद। मगरमच्छों को मालूम है कि कुछ जीव तो बहाव में डूबेंगे ही, और फिर वो दावत कर सकते हैं। झुंड में अफरा तफरी और बेचैनी है। संकरे रास्ते में भीड़ हो गई है और शिकारी घात लगाकर बैठे हैं।
एक शेरनी की वजह से दहशत फैली हुई है। इनकी गिनती हजारों में होती है। एक सहज इच्छा झुंड के हर जीव को आगे बढ़ाती है। बाधाओं के बावजूद इनकी जिंदगी का चक्र उसी तरह चलता रहता है जैसे कि मौसम का। ज़ीब्रा ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन मौत के चंगुल से दूसरे मुश्किल से ही बच पाते हैं। आगे बढ़ने वाले जीवों के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें, लेकिन ज्यादातर जीव पार हो जाते हैं। विल्डबीस्ट और ज़ीब्रा ने लाखों साल के विकास के बाद कभी ना खत्म होने वाले माइग्रेशन के लिए खुद को ढाल लिया है। ये थॉमसन्स गजेल किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं, शायद पानी के कम होने का, जिससे ये उन जगहों को देख सके जहां मगरमच्छ मौजूद हैं। सूखे के मौसम को झेल पाने के लिए विशाल झुंड आगे बढ़ते हैं। जिराफ जैसे जीवों के लिए अभी तो यहां घास और पानी है, लेकिन जल्द ही झुलसी जमीन लाखों खुरों के कुचले जाने से एकदम बंजर हो जाएगी। जंगल में रहने वाले मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। गर्मी बढ़ती है तो थॉमसन्स गजेल सेरेंगेटी के दक्षिण और पूर्वी मैदानों से मध्य और पश्चिमी जंगलों की तरफ जाते हैं। चारे के बेहतरीन मैदानों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई नदियां पार करनी होंगी। विल्ड बीस्ट की तरह इन्हें भी डर है कि पता नहीं पानी के नीचे कौन छिपा हो। कम उम्र के एक अकेले जीव के लिए पानी में छलांग लगाना बड़े हौसले की बात है। जब गिनती और रफ्तार दोनों ही ज्यादा हों तो शिकारी परेशान ही होंगे। सेरेंगेटी में विल्डबीस्ट के बाद एंटेलोप प्रजाति के इन गजेल्स की गिनती सबसे ज्यादा है। अनुमान है कि ये 5 लाख से भी ज्यादा हैं। दक्षिण में सूखे के मौसम के आने के बाद विल्डबीस्ट मैदान छोड़कर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चले जाते हैं। फिर से बारिश शुरू होने तक उस इलाके के उत्तरी हिस्से के जंगल इन्हें खाना और आश्रय दोनों देते हैं। सेरेंगेटी में माइग्रेशन का वक्त उस साल के मौसम के पैटर्न पर निर्भर करता है। दोनों का ही सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता,
ये हमें मालूम है कि विशाल झुंड मौसम की परिस्थितियों का बहुत फायदा उठाते हैं। आमतौर पर ये सूखे के मौसम के तकरीबन 5 महीने उत्तर में जंगलों और घास के मैदानों में बिताते हैं। फिर एक दिन अचानक इन्हें इस बात की भनक लग जाती है कि कहीं दूर दक्षिण में तूफानी बादल इकट्ठा हो रहे हैं, और तब ये विशाल झुंड दक्षिण की ओर अपना सफर शुरू करते हैं और एक बार फिर प्रजनन करने वाले अपने इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। बिना घास के मैदान बारिश के आने पर फिर से हरे भरे हो जाते हैं और जिंदगी का चक्र एक बार फिर शुरू हो जाता है। जब तक झुंड वापस नहीं आते, चीते जैसे यहाँ के जीव जो आसानी से मिल जाता है उससे ही गुजर बसर करते हैं। आग सेरेंगेटी के पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। धधकती लपटें पौधों को जलाकर घास के मैदानों का रखरखाव उन लाखों जीवों के लिए करती हैं जो इन पर निर्भर हैं। आग तेजी से फैलती है, लेकिन जो भाग सकते हैं वो लपटों से बच जाते हैं। पुरानी घास जलकर राख हो चुकी है और इसी राख से नए पौधे पनपते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि छुपने की कोई जगह नहीं बचती। छोटे शिकार पकड़ना एक बात है, लेकिन शिकार को मारना दूसरी। चीते के बच्चे जब तक 1 साल के नहीं हो जाते अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। टॉमसन्स गजेल या टॉमीज झुंड में चलते हैं। इन्हें अपनी रफ्तार और ज्यादा तादाद पर भरोसा है। विल्ड बीस्ट को गए बहुत वक्त बीत चुका है, लेकिन मगरमच्छ जो हाथ लगे वो खाते हैं और किसी से नहीं डरते। किसी भी रेप्टाइल के लिए छलांग लगाते शिकार पर हमला करना मुश्किल होता है।
ये रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ बरसों में टॉमसन्स गजेल्स की गिनती 60% कम हो गई है। इसकी वजह शिकारी नहीं बल्कि पर्यटक, आवास में बदलाव और सड़कों का विकास है। प्रजनन के लिए तैयार नर अस्थाई इलाके बनाते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते। हर साल विशाल झुंड एक मैदान से दूसरे मैदान में जाते हैं और ये रस्म उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव जाति। कुछ रास्ते में बिछड़ जाते हैं लेकिन शिकार अगर लाखों में हो तो शिकारी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। घास के मैदानों में लौटते विशाल झुंडों का नजारा चौंका देने वाला होता है और अब इनकी गिनती एकदम से बढ़ने वाली है। इन सभी बच्चों की जिंदगी एक से दूसरी जगह जाते हुए ही बीतेगी और इसकी शुरुआत इनके जन्म लेते ही हो जाती है। माइग्रेट करने वाली हर प्रजाति के बच्चे को पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। वो सबसे पहले अपनी माँ का दूध पीता है और फिर उसके पीछे चल पड़ता है।
सेरेंगेटी के विशाल माइग्रेशन का दृश्य प्राकृतिक दुनिया का एक अनोखा नजारा है। मौसम बदलते हैं, बारिश के बाद आता है सूखा, लेकिन जिंदगी का सफर जारी रहता है। जब इतने जीव लगातार चलते रहते हों, तो उनके रास्ते के हर जीव की जिंदगी पर असर पड़ता ही है। हो रही बारिश की बूंदें छोटे बड़े सभी जीवों को उस रास्ते पर ले आती हैं जो सदियों पुराने हैं। ये सब एक साथ उस खतरनाक लंबी दौड़ को पूरा करेंगे जिस पर पहले करोड़ों खरे साबित हो चुके हैं। इलाका और शिकारी दोनों ही अपना अपना हिस्सा लेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जिंदगी का नाम ही है चलते रहना।